नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली उपासना एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उपासना एक्सप्रेस के बारे में, जो कि देहरादून टर्मिनल उत्तराखंड से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल के बीच में हफ्ते में 2 दिन चलती है। तो इस ट्रेन का नंबर है 123-28। ये जो ट्रेन है देहरादून से हर बुधवार और शनिवार को चलती है। 29 घंटे 5 मिनट में ये देहरादून टर्मिनल से हावड़ा जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन्स हैं। 1587 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। इसका ट्रेन नंबर है 123-28। 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। उपासना एक्सप्रेस के अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो अभी इसका आपके सामने रूट मैप है। ये जो ट्रेन है देहरादून टर्मिनल से स्टार्ट होती है, बाद में हरिद्वार उत्तराखंड होकर ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहुंचती है, फिर बरेली लखनऊ वाराणसी होते हुए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में पहुंचती है। इसके बाद दिलदार नगर जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, बक्सर पटना झाझा झांसीडीह होते हुए ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन झारखंड के थ्रू ये हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें उपासना एक्सप्रेस या देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रेन है उपासना एक्सप्रेस, इसमें फर्स्ट एसी का कोच है, जिसका देहरादून से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 4320 रुपये, जिसमें 3980 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है और GST चार्ज 206 रुपये है। टोटल किराया 4320 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। सेकंड एसी का जो किराया है टोटल किराया है वो है 2545 रुपये, जिसमें 2329 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 121 रुपये है। टोटल किराया 2545 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो देहरादून से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 1770 रुपये, जिसमें 1600 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है 85 रुपये है। टोटल किराया 1770 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 675 रुपये, जिसमें 625 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 675 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जैसे आज मैं 15 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जनरल डिब्बों में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा उपासना एक्सप्रेस में। टोटल किराया जो है 410 रुपये है देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक का, जिसमें बेस फेयर है 380 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 15 रुपये। ये तो हो गई टिकट किराए की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है डायरेक्टली ये चार्जेस जो है पिक करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं देहरादून टर्मिनल से हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली उपासना एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। उपासना एक्सप्रेस जो कि देहरादून टर्मिनल से हावड़ा जंक्शन के बीच में हफ्ते में 2 दिन चलती है, हर बुधवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है देहरादून टर्मिनल से रवाना होती है। रात के 10:10 पर ये चलती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से और 29 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है वो है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में ट्रेन जो है रात के 11:35 पर पहुँचती है और 11:43 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है 51 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरिद्वार के बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:37 पर और 2:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 219 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 4:08 पर पहुंचती है और 4:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 309 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लखनऊ चारबाग में ये ट्रेन जो है सुबह 8 बजे पहुँचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर
15 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और देहरादून से यहाँ तक की जो दूरी है 545 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 9:37 पर पहुँचती है और 9:40 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 634 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उपासना एक्सप्रेस जो है वो सुल्तानपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:21 पर पहुँचती है और 10:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 684 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SLN। इसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। वाराणसी जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:55 पर पहुंचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 828 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसे मुगल सराय भी कहा जाता था यहाँ पर दोपहर के 2:15 पर पहुँचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन दिलदार नगर जंक्शन में पहुंचती है। उपासना एक्सप्रेस जो है दोपहर के 3:11 पर पहुंचती है और 3:13 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 903 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DLN। इसके बाद ये ट्रेन जो है बक्सर रेलवे स्टेशन बिहार में पहुँचती है दोपहर के 3:38 पर और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 940 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर भागलपुर मुंबई एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद पटना जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है शाम के 5:20 पर पहुँचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1056 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PNBE। मुकोमा बिहार में ये ट्रेन जो है शाम के 6:45 पर पहुँचती है और 6:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1145 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MKA। मुकोमा के बाद ये ट्रेन जो है क्यूल जंक्शन बिहार में पहुँचती है। क्यूल जंक्शन बिहार में शाम के 7:58 पर पहुँचती है और 8 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और क्यूल जंक्शन का स्टेशन कोड है KIUL और यहाँ तक की जो दूरी है ये 1180 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। क्यूल जंक्शन का के बाद ये ट्रेन जो है झाझा बिहार में पहुँचती है। झाझा बिहार जो है उपासना एक्सप्रेस का बिहार का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर रात के 9:30 पर पहुँचती है और 9:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1234 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। झारखंड के पहले स्टेशन झांसीडी जंक्शन झारखंड में ट्रेन जो है रात के 9:30 पर पहुँचती है और 9:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1234 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। झारखंड के आखिरी स्टेशन मधुपुर जंक्शन झारखंड में ट्रेन जो है रात के 10:36 पर पहुँचती है और 10:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1306 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MDP। इसके बाद उपासना एक्सप्रेस जो है वो देहरादून से चलकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर रात के 11:53 पर पहुंचती है और 11:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1388 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है उपासना एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में रात के 3:15 पर पहुँचती है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है 1588 किलोमीटर के करीब जो है उपासना एक्सप्रेस देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ उपासना एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो फीडबैक सेक्शन में जरूर दें, मैं सभी सुझाव को पढ़ता हूं और लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।
इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।